हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो अब तक के हमारे जितने भी पॉडकास्ट हुए हैं उन सबसे हटके हैं, उन सबसे अलग है और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए है। जैसे कि मैंने अनाउंस किया था कि हमारे चैनल पे जल्दी ही एक ड्रग इंस्पेक्टर आने वाला है, सो आज ये वीडियो 19 किससे रिलेटेड होने वाला है। कहने का मतलब है आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ ड्रग इंस्पेक्टर से और सीरियसली वो आपको जिस तरीके से गाइड करेंगे, कैसे आपको तैयारी करनी है, ड्रग इंस्पेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, रेड कैसे डाली जाती है, कहाँ डाली जाती है और किन किन एरिया में ड्रग इंस्पेक्टर रेड डाल सकता है, क्या प्रोसीजर होता है, कंप्लीट जानकारी आपको आज वो देंगे। तैयारी कैसे करनी है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, पूरी स्ट्रेटेजी क्या होती है ड्रग इंस्पेक्टर बनने की, सारी जानकारी आज आपको सर देने वाले हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा और पूरा वीडियो को देखिएगा क्योंकि शायद आपकी लाइफ चेंजिंग ये वीडियो होने वाला। मेरे हिसाब से यूट्यूब पे पूरे फार्मेसी फील्ड में आज तक ऐसा वीडियो आपने नहीं देखा होगा जैसा ये वीडियो आज होने वाला है, क्योंकि मैं खुद भी जब मैंने उनसे बात की तो मैं खुद भी बहुत ज्यादा मोटिवेट मैंने फील किया। मोटिवेट उनकी वर्ड्स जो है वो मोटिवेटेड ही रहते हैं, मोटिवेशन बहुत मिलता है, लेकिन आज का वीडियो कुछ अलग होने वाला है ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा मैं फील कर रही हूं। तो आप जरूर पूरा वीडियो देखिएगा और हो सके तो अभी ये वीडियो उन लोगों को भी शेयर कर दीजिए जिन लोगों को इसकी जरूरत है, हर फार्मा के बच्चे को इसकी जरूरत है, हर फार्मा फील्ड के स्टूडेंट को। आज के इस वीडियो में सर आपको फार्मा फील्ड में अगर आप अभी एज ए स्टूडेंट हो तो भी आपको गाइड करेंगे, साथ ही साथ अगर आपने फार्मा कर लिया, आप किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हो, मेडिकल स्टोर है आपका, सबको गाइड करने वाले। तो फार्मा फील्ड का कोई भी बंदा हो आप सबको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो सीधा मिल लेते हैं सर से। हेलो सर, गुड इवनिंग। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना इतना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया और हमारे स्टूडेंट को गाइड करने के लिए आप हमारे चैनल पे आए, सो उसके लिए थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। हाँ जी सर, तो सबसे पहले तो सर आप खुद से इंट्रोड्यूस करवा दीजिए स्टूडेंट्स को। जी, मेरा नाम लेकुर रहमान खान है और मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, लाहौर से। 2017 में मेरी ग्रेजुएशन हुई थी, मैंने कंप्लीट किया अपना डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की डिग्री। जैसा कि आप सबको पता है, आप सारे भी फार्मेसी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं कि ये 5 to 6 years, कुछ कंट्रीज़ में 5 years की है, कुछ में 6 years की है क्योंकि उसमें बाद में ट्रेनिंग भी आ जाती है। तो वो 5 years प्रोफेशनल कंप्लीट किए, 2017 में मेरी डिग्री कंप्लीट हुई। 2018 के अंदर आई प्रिपेयर फॉर द कमीशन, जो हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं, लाइकवाइज इंडिया के भी गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है। 2018 के अंदर मैंने वो क्लियर किया। 2019 के अंदर मेरी पोस्टिंग हो गई एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। 1 year आई सर्व्ड एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट और उसमें मुख्तलिफ डोमेन्स के अंदर काम किया एज अ फोकल पर्सन फॉर COVID-19, जब COVID-19 अपने बूम के ऊपर था। उसके बाद 1 साल के बाद डिपार्टमेंट ने पोस्ट कर दिया फील्ड के अंदर। जो फील्ड की पोस्ट थी वो एज अ ड्रग इंस्पेक्टर थी, पहले एक डिस्ट्रिक्ट में और उसके बाद अब दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर पोस्ट किया। तो ये मेरी टोटल सर्विस है 2018 से लेकर 2022 तक अभी। ग्रेट सर। उसके बाद सर DI मतलब ड्रग इंस्पेक्टर, जैसे कि मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा रेपुटेटेड पोस्ट है, एक सबसे ज़्यादा रेपुटेटेड जॉब है फार्मा फील्ड में, सो ड्रग इंस्पेक्टर को लेके बहुत सारे स्टूडेंट के मन में क्रेज़ होता है, बहुत क्रेज़ होता है ड्रग इंस्पेक्टर को लेके। तो ड्रग इंस्पेक्टर की जो ये जर्नी है ये आप स्टार्टिंग से बताइए कि कितनी डिफिकल्ट रही, कैसे, क्या आपने कुछ ऐसे टास्क रहे जो आपने फेस किए हो, कुछ ऐसी डिफिकल्टीज रही, या फिर नॉर्मल जनरल अगर कोई बच्चा स्टडी करे, तैयारी करे तो वो क्रैक कर सकता है ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम। देखिए, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली आप सबको जवाब दूंगा क्योंकि सारे जो लोग हैं ना बहुत सुपरफिशियल सा आंसर करते हैं कि मैंने बहुत पढ़ाई की और मैं पास हो गया और ये सारा कुछ, ठीक है, या मैंने बहुत एम किया, ठीक है। आप एक बात याद रखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ रहे हैं, अपनी फार्मेसी कर रहे हैं, अभी ग्रेजुएट कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, फ्रेशली ग्रेजुएट हैं, या आपको 2-4 साल गुजर चुके हुए हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप पैशनेट हैं, ठीक है, और आपके अंदर कंपटीशन की एक एलिमेंट है, तो आप कोई भी जो फील्ड है उसको परस्यू कर सकते हैं, वेदर वो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है, वेदर वो इंडस्ट्री है या ड्रग इंस्पेक्टर की डोमेन है। अब ड्रग इंस्पेक्टर की डोमेन का जहाँ अगर मैं अपने हमारे एरिया के हिसाब से बताऊँ या गवर्नमेंट के हिसाब से,
तो लाइक वाइज इंडिया में भी ऐसा ही होगा कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, आपने उनको पास करना है, आप एक विंडो जो होती है वो आप क्रॉस कर जाते हो, जब विंडो क्रॉस करते हो तो यू कैन आइदर बी पोस्टेड एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, यू कैन बी पोस्टेड एज अ ड्रग इंस्पेक्टर या किसी भी और ऑफिशियल पोस्ट के ऊपर। कुछ सीट्स होती हैं वो सिर्फ ड्रग इंस्पेक्टर की सीट्स होती हैं, उस पर आप एग्ज़ाम दो तो आप डायरेक्टली रिक्रूट होते हो, पोस्ट होते हो एज अ ड्रग इंस्पेक्टर। कुछ सीट्स होती हैं वो एज अ फार्मासिस्ट होती हैं गवर्नमेंट की, जब आप एज अ फार्मासिस्ट एंटर होती हो तो आप हॉस्पिटल फार्मासिस्ट भी बन सकते हो, DI भी बन सकते हो, गवर्नमेंट एनालिस्ट भी बन सकते हो, यानी कि जो ड्रग टेस्टिंग लेबॉरटरीज के अंदर टेस्टिंग एनालिसिस एंड रिपोर्ट जनरेशन कर रहे होते हैं, आप फॉरेंसिक फार्मासिस्ट भी बन सकते हो, जैसे जैसे आपकी जो गवर्नमेंट चाहती है आपको पोस्ट कर सकती है। जो पूरा जर्नी था ये इस तरह से था कि आई वॉज़ वेरी कॉम्पिटिटिव शुरू से, 5 years के अंदर आई यूज़ टू मेक माई नोट्स, जो भी सब्जेक्ट्स होते थे हमें स्लाइड से पढ़ा करते थे, कुछ बुक से रेफरेंस बुक से पढ़ा करते थे, और हर सेमेस्टर के बाद, हर ईयर के बाद जो 2-3 माह की ब्रेक आती थी उसके अंदर आई यूज़ टू कलेक्ट ऑल माई नोट्स एक जगह पे और उसकी एक सॉफ्ट कॉपी जनरेट किया करता था, ठीक है, और वो एक क्विक रिव्यू हो जाता था। उसके बाद इवन मुझे याद है कि 2 साल में हमने 10 बुक्स लिख ली थी प्रॉपर हमारे जो सिलेबस के मुताबिक। इसी तरह से मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जब भी आप एक क्लास साथ पढ़ रहे हैं तो अपने नोट्स बनाते रहें, उन नोट्स को आप सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके किसी फोल्डर में सेव कर लें। जब आपके 5 साल कम्प्लीट होते हैं तो आपने जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो आपके पास आपकी पूरी लेआउट होगी एज़ पर योर सिलेबस जो आपने पढ़ी है, और चूंकि आपकी नज़र से गुजर चुका होगा तो जब आप उसको गो थ्रू दोबारा से करेंगे तो फिर आपकी आप उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। एक मैं आपको थ्योरी बता देता हूँ सक्सेस की। आप जब हम किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर एक सीट अनाउंस होती है, पाकिस्तान में एक सीट अनाउंस होती है ड्रग इंस्पेक्टर की, 10 सीट्स हैं, ठीक है, और पूरे पंजाब से आपका अगर प्रोविंस पंजाब है या कोई भी प्रोविंस है प्रोविंशियल लेवल पे है तो उस पर पूरे पंजाब से जो एस्पायरिंग कैंडिडेट हैं जो कि फ्रेशली ग्रेजुएट भी होंगे, जो कुछ ग्रेजुएट हुए 2-3 साल गुजर चुके होंगे, कुछ MPhil होंगे, कुछ मास्टर्स, कुछ PhD स्कॉलर्स होंगे, सारे अप्लाई करेंगे उस सीट के लिए। यानी उन 10 सीट्स के ऊपर कंपटीशन होगा, नंबर थाउजेंड्स में होगा उसमें, ठीक है। तो क्या होता है कि जब एक ये मेंटल लेवल होता है आपका कि आप ये सोचते हो कि यार मैं कितनी तैयारी करूँगा मेरे से बेहतर लोग भी होंगे, तो आप वहीं पर रह जाते हो, शायद आप आगे ना बढ़ पाओ। लेकिन अगर आप सबसे पहला होता है कि आपने थ्रेशोल्ड क्रॉस करना है, अपने मेंटल थ्रेशोल्ड कि आपने तैयारी को स्टार्ट करना है, अपने नोट्स को कंपाइल करना है, अरेंज करना है, स्केड्यूल बनाना है, उस स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली आपने स्टार्ट करना है। फिर मैं कहता हूँ हमेशा कि हाफ ऑफ द कंपटीशन उधर ही ख़त्म हो जाता है। क्यों? कि कुछ लोग प्रॉपरली स्टार्ट नहीं कर पाते प्रिपरेशन को। कुछ लोग जो स्टार्ट करते हैं वो उसको 10-15% प्रिपेयर करते हैं, देन दे गिव अप, उनका वो वाला मोमेंटम नहीं रहता, वो टूट जाता है, आपका कंपटीशन फर्दर हाफ हो गया। फॉर एग्जांपल 10,000 लोगों ने अप्लाई किया था, वो 5,000 रह गए, कुछ ने 15-25% तैयारी की, हाफ हार्टेडली तैयारी की, वो 5,000 का भी कंपटीशन रह गया हाफ, 2500 कैंडिडेट रह गए। उनमें से भी कुछ होते हैं वो अराउंड 50% तैयारी करेंगे, कुछ पैनिक कर जाएंगे, कुछ ने पास पेपर्स की पेपर स्पेसिमेंट की प्रैक्टिस नहीं की होगी, वो कॉम्पिटिशन फर्दर हाफ हो जाता है, यानी 2500 में से 1,250 लोग रह गए। अब इनमें से भी कुछ लोग होते हैं वो मॉडल पेपर्स की तैयारी नहीं करते, टाइम मैनेजमेंट उनको नहीं आती, कुछ की लक नहीं चलती, तो ये कॉम्पिटिशन भी समझे फर्दर हाफ रह गया। और जो लोग एंड तक अपनी तैयारी करते रहते हैं और गिव अप नहीं करते, स्लोली स्टेडिली, वो इन सब लोगों से आगे निकल जाएंगे, और जब वो पेपर में बैठेंगे तो उनको जो कॉन्फिडेंस होगा उस कॉन्फिडेंस की बेस पे वो MCQs या अपने जो पेपर उसको कवर कर पाएंगे, उनकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, टाइम मैनेजमेंट जो होगी वो अच्छी होगी, जिसकी वजह से वो थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स पीछे रह जाएंगे और वो इवन एक दो नंबर से जो मेरिट लिस्ट होती है वो बनती है तो उसमें वो आगे निकल जाएंगे। तो दिस इज जस्ट अ ब्रेन गेम, आपने अपने दिमाग को तैयार करना है और अपनी सबसे बड़ी कोई वीकनेस, फॉर एग्जांपल आपको कोई पेन है, कोई आप कोई चीज़ है, उसको एज अ सोर्स ऑफ सेल्फ मोटिवेशन के तौर पे आपने लेना है और अपने आप को ट्रेन करना है और समझाना है दैट आई हैव टू बी समथिंग। और याद रखें कि ये 2-3 साल जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं राइट आफ्टर ग्रेजुएशन, अपने आप को ट्रेन करने के लिए दैट यू हैव टू बी समथिंग, ठीक है। अगर आप कुछ बन जाओगे तो सारी दुनिया आपके इर्द गिर्द है, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो यू विल ऑलवेज बी इन अ फेज ऑफ स्ट्रगल। जी जी
ग्रेट सर, सीरियसली सच में आप जैसा कि बहुत सारे लोगों का और भी पॉडकास्ट वीडियो आया है हमारे चैनल पे, लेकिन एक्सपीरियंस बोलता है, उसी तरीके से आपने स्टूडेंट को गाइड किया और मुझे भी काफी मोटिवेशन इससे मिला। स्टूडेंट तो खुद ब खुद मोटिवेट हो जाएंगे, आपने काफी अच्छे से समझाया सर। उसके बाद सर मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो ड्रग इंस्पेक्टर होता है फार्मेसी प्रोफेशन में, उसका रोल क्या होता है? अच्छा, अब ये मैं आपको बता दूं कि ड्रग इंस्पेक्टर एज द वर्ड सेज इंस्पेक्शन। अब ये इंस्पेक्शन क्या होती है? ड्रग्स की इंस्पेक्शन हमारे जो जो कंट्रीज़ हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान एंड लाइकवाइज अदर कंट्रीज़ हैं, इनके कुछ लॉज बने होते हैं, जिसको फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में है ड्रग एक्ट, इसी तरह से वहाँ पे भी कुछ लॉज होंगे इंडिया के अंदर, आपके एक्ट होंगे, आपके रूल्स होंगे, ड्रग एक्ट होंगे, ड्रग रूल्स होंगे, आपके अलग अलग प्रोविंस के अलग 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 रूल्स होंगे। एक्ट होता है, एक कानून पास होता है जो आपकी असम्बली, जो नेशनल असम्बली या प्रोविंशियल असम्बली पास करती है, उस एक्ट को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है उसके लिए आते हैं रूल्स, ठीक है, उस एक्ट के अंदर रूल्स आते हैं। फिर फर्दर टाइम टू टाइम अगर ज़रूरत होती है तो जो असम्बली होती है या बाय द वे ऑफ बिल वो पास किया जाता है और अमेंडमेंट्स इसमें लाई जाती हैं एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम, ठीक है। अब ये जो सारा एक्ट और रूल्स होता है इसको इम्प्लीमेंट करना इन ट्रू स्पिरिट, दैट इज़ द जॉब ऑफ अ ड्रग इंस्पेक्टर। जो भी इंस्पेक्टर होता है वो इसको इम्प्लीमेंट करवाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक्ट क्या कहते हैं और रूल्स क्या कहते हैं कि एक जो मेडिकल स्टोर होता है और फार्मेसी होती है वो लाइसेंस्ड होना चाहिए, एक लाइसेंस्ड प्रेमिसेस, यानी दे शुड बी हैविंग अ ड्रग सेल लाइसेंस, दे शुड हैव द परमिशन टू सेल द ड्रग्स, दे शुड हैव द लाइसेंस टू सेल स्टॉक एंड एग्जिबिट फॉर सेल ऑफ द ड्रग्स या थेरेप्यूटिक गुड्स या जो भी इसमें आती हैं, जिसमें आपके टेबलेट्स, कैप्सूल, डिफरेंट ड्रग्स आ जाती हैं। ये सारी ड्रग्स जो होती हैं ये आपकी रजिस्टर्ड होती हैं, ये रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी एक बॉडी बनी होती है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर है ड्रैप, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। जितने भी कंपनीज, इंडस्ट्रीज ड्रग्स बनाती हैं वो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास जाती हैं, वहाँ से अपनी ड्रग को रजिस्टर करवाती हैं। जब वो रजिस्टर्ड ड्रग हो जाती है तो वो मार्केट के अंदर सेल की जा सकती है। उसको सेल कौन करता है? जो फार्मेसी और मेडिकल स्टोर या डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो करते हैं। और इनको रेगुलेट कौन करता है कि ये सही कानूनी तौर पे, जायज़ तौर पे, विद ऑल द फॉर्म्स, रिक्वायरमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोसीजर, फॉलोइंग द लॉज एंड रूल्स कर रहे हैं, ये कौन करता है, कौन चेक करता है? ये ड्रग इंस्पेक्टर करता है। ड्रग इंस्पेक्टर ये भी देखता है फार्मेसी के ऊपर कि इसका लाइसेंस है या नहीं है, इस ये जो ड्रग्स बेच रहा है ये रजिस्टर्ड है या नहीं है। लाइसेंस की कुछ कंडीशंस होती हैं, जब आप अप्लाई करते हो एक फार्मेसी के लाइसेंस के लिए तो आपके पास क्या कंडीशन होनी चाहिए? फॉर एग्जांपल लाइसेंस होता है एक प्रॉपराइटर यानी मालिक और एक क्वालिफाइड पर्सन यानी एक फार्मासिस्ट के नाम पे। फार्मासिस्ट की जो फिज़िकल प्रेजेंस है वहाँ पे लाजमी होती है, तो ड्रग इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट की फ़िज़िकल प्रेजेंस को भी चेक करता है। उसके बाद लाइसेंस की एक रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपके, जैसे यहाँ पे पाकिस्तान में, कि आपके कुछ थर्मोलेबाइल ड्रग्स होती हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपके रेफ्रिजरेशन फैसिलिटी यानी कोल्ड चेन मेंटेनेंस होनी चाहिए, ड्रग इंस्पेक्टर ने उसको चेक करना है। साथ ही साथ आपके एसीज होने चाहिए जो एयर कंडीशनर्स हैं, क्यों? क्योंकि समर्स में या ऐसी सीज़न के अंदर आपकी जो है वहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि ड्रग्स का, क्योंकि कुछ आपने ड्रग्स पे देखा होगा, लिखा होगा टू बी स्टोर्ड फ्रॉम 15 to 25 degrees, कुछ 8 to 15 degrees होता है और कुछ 2 to 8 degrees होता है जो कि फ्रिज का टेम्परेचर होता है। इसको चेक करना, फिर आपकी क्लीनलीनेस को चेक करना, आपकी रजिस्ट्रेशन को चेक करना, इसी तरह से आपने कोई स्टोरेज कंडीशन उसको चेक करना, कोई एक्सपायर्ड ड्रग है या नहीं पड़ी हुई उसको चेक करना, इस तरह से देर आर डिफरेंट कॉन्ट्रावेंशंस, उन सबको चेक करता है एक ड्रग इंस्पेक्टर। इसी तरह से अब चले जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। कुछ जगहें जहाँ पे ड्रग्स बन रही होती हैं, मैन्युफैक्चर हो रही होती हैं, वहाँ पे जाके चेक करते हैं कि क्या इनको मैन्युफैक्चरिंग की परमिशन है या नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ कि हम कुछ रेड्स करते हैं, जब हम छापा मारते हैं तो चेक करते हैं कि क्या ये कोई लीगल जगह है, इसको परमिशन है अथॉरिटी की तरफ से, उसके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। कई जगहों पर यकीन करें कि छुप के मेडिसिन बनाई जा रही होती है, बहुत गंदी हालत के अंदर, अनहाइजेनिक, डर्टी डस्टी प्रेमिसेस के अंदर गैर कानूनी तौर पे जाली अद्वियात बनाई जाती हैं। इन जाली अद्वियात को हम कहते हैं स्पूरियस मेडिसिन। हम क्या करते हैं
कि इनको सील करते हैं और उसके बाद इन मेडिसन्स को उठा के ड्रग टेस्टिंग लैब भेजते हैं, वहाँ पे इसकी रिपोर्ट्स का वेट करते हैं, ठीक है। और फिर रिपोर्ट आती है और फिर इसके ऊपर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं और जो जो लोग इसमें मुलव्वस होते हैं उनके खिलाफ हम प्रोसिक्यूशन की परमिशन मांगते हैं और इसको प्रोसिक्यूट करवाते हैं। ड्रग कोर्ट्स हमारी स्पेशल बनी होती हैं, उन ड्रग कोर्ट में हमारे हाई कोर्ट के जजेस होते हैं और फिर उनको सज़ा दी जाती है। ये सारी सज़ाएं, ये सारा प्रोसीजर जो ड्रग इंस्पेक्टर करता है कि वो सील कर सकता है, चलान कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है किसी भी जगह पे, किसी लेबॉरट्री को, किसी हॉस्पिटल को, फार्मेसी को, मेडिकल स्टोर को, किसी क्वैक को जो गली मोहल्लों में बैठे हुए हैं जाली डॉक्टर, किसी भी जगह जहाँ पर ड्रग है वहाँ पे जाके इंस्पेक्शन कर सकते हैं, इनको सील कर सकते हैं, चलान कर सकते हैं और इन्वेस्टिगेशन अपनी पूरी कर सकते हैं। ये सारा का सारा प्रोसीजर एक्ट और रूल्स के अंदर डिफाइंड होता है। जी ओके सर, जैसे कि आपने बताया कि कुछ जगह पे ऐसा होता है कि मेडिसिन बहुत मतलब अनहाइजेनिक तरीके से बनाई जाती है, तो उनके पास जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो आता कहाँ से है? देखें, ये जो जगह लाइसेंस्ड है ना, उनकी कंडीशन होती है कि वो तो ये नहीं कर सकती अनहाइजेनिक और ऐसी जगहों पे। क्यों? कि उन पे जो प्रोविंशियल ड्रग इंस्पेक्टर या फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर जो होते हैं, प्रोविंशियल वो जो कि प्रोविंस की लेवल पे अपॉइंटेड होते हैं, फेडरल जो वफाक यानी प्रोविंस जो सेंटर के लेवल पे अपॉइंटेड होते हैं, जो फेडरल होते हैं, ये दोनों ड्रग इंस्पेक्टर चेक करते हैं इनको और इंश्योर करते हैं कि ये क्लीन रहें, हाइजेनिक रहें, इनका रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, उसका सोर्स क्या है, ये सब चेक करते हैं। कुछ ऐसी जगह होती हैं जो छुप छुपा के ऐसा काम कर रही होती हैं, वो रॉ मटेरियल जो होती हैं वो इलीगल इलिक्ट सोर्सेज से लेती हैं, छुप के लेती हैं। वो अगर कैप्सूल फिल कर रहे हैं तो वो कैप्सूल किसी जगह से ख़रीद लेंगे खाली, ठीक है, बॉटल्स कहीं से ख़रीद लेंगे, कहीं से वो रॉ मटेरियल लेंगे। और इवन ऐसी जगह होती हैं जो पर रॉ मटेरियल भी नहीं लेती, वो जाली बनाती हैं उसको, तो इन सब के अगेंस्ट हम लोग कार्रवाई करते हैं। हाँ, कोई लाइसेंस्ड जगह हो, जैसे लाइसेंस्ड फार्मेसी, मैन्युफैक्चरिंग या कोई यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे भी डर्टी डस्टी अनहाइजेनिक जगह होगी, जहाँ टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा, जहाँ पे कंडीशन या प्री रिक्विजिट्स ऑफ द लाइसेंसिंग आर नॉट मेंट, वहाँ पे उनको सील भी किया जाता है, उनको चलान भी किया जाता है। जो उसमें मुलजिम होते हैं, जो एक्यूज्ड पर्सन होते हैं, उनको नॉमिनेट करके उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की जाती है। जो हमारा बोर्ड बना होता है एक प्रोविंस के लेवल पे, हम उसको वो रिक्वेस्ट फॉर द परमिशन ऑफ प्रोसिक्यूशन भेजते हैं उन लोगों के ख़िलाफ़। बोर्ड जो होता है वो फिर आगे परमिशन देता है कि इनको प्रोसिक्यूट कर दे और फिर वो ड्रग कोर्ट में केस जाता है और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाता है, यानी कि इनको सज़ा दी जाती है एंड तक। ये प्रोसीजर है। तो सर, जैसे कि इन्हें सजा वगैरह तो मिल जाती है, उसके बाद मेडिकल स्टोर का, जैसे कि अपने ड्रग स्टोर होता है, तो उनके लिए भी आपने कंप्लीट बता दिया कि जैसे सर ये होता है कि किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का जो सैंपल होता है, क्या वो कोई नॉर्मल मेडिकल स्टोर वाला रख सकता है? जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी बेसिक सी चीज़ है। जो सैंपल होता है ना, एक इंडस्ट्री जब मैन्युफैक्चर करती है तो उनका एक डिपार्टमेंट होता है जिसे कहते हैं सेल्स और मार्केटिंग का डिपार्टमेंट। जो सेल्स पर्सन होते हैं या मेडिकल रेप होते हैं, जिसे हम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, ये क्या करते हैं कि ये फिजिशियन सैंपल्स होते हैं जिन पर लिखा होता है कि फिजिशियन सैंपल्स नॉट टू बी सोल्ड। ये सैंपल्स जो होते हैं ये डॉक्टर्स को देते हैं फॉर द मार्केटिंग एंड बिजनेस पर्पजेस। अब कुछ मेडिकल स्टोर्स या फार्मेसीज क्या करते हैं कि इनका लाइजन होता है जो कि लीगल नहीं है इन सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के साथ, ये उसको किसी सोर्स से ले लेते हैं, चाहे वो फ्री लेते हैं, चाहे वो उनको बड़ी मिनिमल प्राइस दे के लेते हैं, फिर ये इसको सेल आउट कर देते हैं या फिर इलीगल प्रैक्टिस करते हैं। यानी कि इलीगल प्रैक्टिस का मतलब ये है कि एक पेशेंट आया, वो किसी डॉक्टर के पास जाने की बजाय फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे आया, तो वो मेडिकल स्टोर वाला ख़ुद अपने आप को एज अ प्रिस्क्राइबर या डॉक्टर बता के उसको मेडिसिन काट के दे देता है कि ये दो गोलियाँ सुबह शाम दोपहर आपने खानी है, ये आपने सीरप रात को पीना है, या इंजेक्टेबल लगा देता है उसको। तो ये इलीगल प्रैक्टिस होती है जो कि अलाउड नहीं है और ना होनी चाहिए। फिजिशियन सैंपल जो होता है वो दे देता है, फिजिशियन सैंपल अलाउ नहीं होते। जब भी हम ऐसी चीज़ को पकड़ते हैं, हम उसको अपने फॉर्म के ऊपर सीज़ कर लेते हैं, हम पूरा उस पर डिटेल लिखते हैं कि ये बंदा है, इसने ये वाली नेम ऑफ द ड्रग, उसका बैच नंबर, उसकी क्वांटिटी, और ये आगे कॉन्ट्रावेंशन क्या हुई ड्रग एक्ट और रूल्स की, दैट सेलिंग, स्टॉकिंग, एग्जिबिटिंग फॉर द सेल ऑफ फिजिशियन सैंपल्स नॉट टू बी सोल्ड।
इन अ फार्मेसी और अ मेडिकल स्टोर, ये कॉन्ट्रावेंशन लगती है और उसके बाद हम उसको फिर अगेन परमिशन फॉर द प्रोसिक्यूशन भेजते हैं और फिर इनका आगे प्रोसीजर होता है और इनको प्रोसिक्यूट करके सजा दी जाती है। सर इसके बाद मेरा ये क्वेश्चन रहेगा, जैसे किसी भी मेडिकल स्टोर पे कोई भी ड्रग इंस्पेक्टर जाते हैं, उनकी टीम जाती है, तो जैसे वहाँ पे अगर कोई मेडिसिन है, ठीक है, तो उसमें जो उसका जो रैपर है, उसके ऊपर जो लेबल है, उस पे जो सारी चीजें मेंशन है, अगर उसकी टेस्टिंग के लिए भेजा जाए, और कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए BSP फार्मेसी को और करे अपने CUET बी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड दिया ना, वो कुछ ना कुछ उसमें मतलब ऐसा लगे कि हाँ कुछ ना कुछ मिक्स है और वो पूरी तरीके से प्योर नहीं है, तो वो केस किस पे होगा? क्या जिसके मेडिकल स्टोर पे वो रखी हुई है मेडिसिन पे होगा या फिर जहाँ से आई है उस पे होगा? जी, दिस इज अ वेरी वैलिड एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स बन रहे हैं फार्मेसी के, उनके लिए भी समझना इम्पोर्टेंट है। जो ग्रेजुएट कर गए हैं उनके लिए भी, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं ये उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और फार्मेसी पे जो क्वालिफाइड पर्सन काम करें उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, अगर आपने कोई मेडिसिन ली है तो आपने, आपके पास उसका सोर्स होना चाहिए, आपने कहाँ से लिया। फॉर एग्जाम्पल, वो आप डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर आपको एक इनवॉइस और वारंटी देगा, उस पर लिखा होगा कि मैं ये वारंटी देता हूँ कि ये मेडिसिन जो है ये असली है और ये कहाँ से ली गई है। ठीक है, वो मेडिसिन देखें, एक कंपनी ने मैन्युफैक्चर की, कंपनी अपनी वारंटी देगी डिस्ट्रीब्यूटर को कि मैंने मैन्युफैक्चर की है, मैं ये वारंटी देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटर अपनी वारंटी देगा कि ये मैं वारंटी देता हूँ कि ये मैंने एक जेन्युइन सोर्स से ली है, और वो दे देगा एक फार्मेसी या मेडिकल स्टोर को। जो फार्मेसी वाला होगा, वहाँ पर जब हम जाएंगे ड्रग इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन के, उसको लगता है या वो सस्पेक्ट करता है या वो उसको कोई रिस्क है, तो रिस्क बेस्ड सैम्पलिंग करता है। वो सैंपल कलेक्ट करता है, उसके एज पर द पाकिस्तान लॉ हम क्या करते हैं कि हम उसके चार पोर्शन बनाते हैं। एक पोर्शन, फॉर एग्जांपल हमने लिया एक मेडिसिन कलेक्ट की, फॉर एग्जांपल हमने 80-100 टैबलेट्स ली, उसके हमने एक पोर्शन इक्वल क्वांटिटीज़ में हमने चार पोर्शन डिवाइड कर लिए, एक पोर्शन दे दिया जिस बंदे से फ्रॉम होम द सैंपल इज टेकन, एक पोर्शन हमने भेज दिया ड्रग टेस्टिंग लैब को, एक पोर्शन हमने दे दिया अपने बोर्ड को, प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड, जहाँ पे क्वालिटी केसेस यानी सैंपल के केसेस जाते हैं, और एक हमने पोर्शन भेज देना है मैन्युफैक्चरर को, जो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्री वाला। अब 2 महीने के अंदर अंदर क्या होता है कि ड्रग टेस्टिंग लैब इसको टेस्ट करती है और रिपोर्ट भेजती है कि क्या ये स्टैंडर्ड क्वालिटी का है तो ये पास हो जाएगा, या फिर वो लिख देगी कि ये स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं है, ये सब स्टैंडर्ड है। ठीक है, यानी कि या तो ये SA में फेल हो गया, ऐसे में फेल नहीं हुआ तो इसकी जो किसी और डिसोल्यूशन में फेल हो गया, कहाँ किस स्टेप पे फेल हुआ ये, फिर या फिर वो कह देंगे ये स्पूरियस है कि ये जाली है। ठीक है, या फिर कोई और उसका आ जाएगा कि ये मिसब्रांडेड है। मिसब्रांडेड होता है कि उस पर अगर आपकी लेबलिंग रिक्वायरमेंट पूरी ना हो, आपका नाम ना लिखा हो, डोजर फॉर्म ना लिखी हो, कंपनी नहीं है, एक्सपायरी डेट नहीं है, बैच नंबर नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, कोई भी अगर लेबलिंग मिसिंग हो तो मिसब्रांडेड है। ये सारी चीज़ें अगर होती हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो ये लिखा है मिसब्रांडेड। इन सारी चीज़ों को ड्रग टेस्टिंग लैब चेक करती है और रिपोर्ट भेज देती है इंस्पेक्टर को। इंस्पेक्टर जो होता है फिर केस को इनिशिएट करता है और साथ साथ पूछता है उससे कि ये हमने आपसे मेडिसिन ली थी 2 महीने पहले, आपका ये वाली रिपोर्ट फेल हो गई है, तो आप मुझे बताएं कि आपने किस सोर्स से ली। तो अगर तो वो सोर्स दिखा दें, वारंटी और इनवॉइस दे दें, तो वो बच जाएंगे। अगर वो सोर्स नहीं देते तो इसका मतलब वही मैन्युफैक्चरर है, लॉ कानून समझेगा कि वही मैन्युफैक्चरर है, उन पे केस इनिशिएट होगा। अगर तो वो सोर्स बता देते कि मैंने इस डिस्ट्रीब्यूटर से ली, तो ड्रग इंस्पेक्टर विल राइट अ लेटर, ऑफिशियल लेटर टू द डिस्ट्रीब्यूटर कि आपने एक मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट की फार्मेसी को, और आप मुझे बताएं कि आपने किस सोर्स से ली। अगर तो उसने सोर्स बता दिया तो ठीक है, अगर नहीं बताया तो उसको कानून समझेगा कि वो है जिसने ये चीज़ बनाई है और उसको सजा होगी। अगर उसने सोर्स बता दिया कि ये मैन्युफैक्चरर ने बनाई है, ये फलां XYZ इंडस्ट्री ने बनाई है, तो ड्रग इंस्पेक्टर विल राइट अ लेटर टू द इंडस्ट्री और कहेंगे कि आपकी ये हमने ये ली तो इस तरह से वारंटी की ट्रेल आप तक पहुंची है, आप ये बताएं कि क्या प्रोडक्ट आपकी है, इसकी कंफर्मेशन ऑफ इनवॉइस वारंटी करें और बताएं आप कि आपका कौन कौन बंदा इसमें इन्वॉल्व था, फॉर द प्रोडक्शन मैनेजर कौन था, आपका फार्मासिस्ट कौन था, क्वालिटी कंट्रोल इंचार्ज कौन था, क्वालिटी जो एनालिस्ट था वो कौन था, आपकी जो ऑनर है वो कौन है, CEO कौन है, और फिर इन सब के नेम्स, इनके ID कार्ड्स, इनकी इंफॉर्मेशन, इनकी डेजिग्नेशन, ये सारी कलेक्ट करता है एक इंस्पेक्टर,
और उसके बाद ये अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके इसकी एक रिपोर्ट बनाता है। ये रिपोर्ट बना के वो प्रोविंशियल बोर्ड को भेजता है, सूबाई बोर्ड को, जहाँ पे जाते हैं सैम्पलिंग के केसेस, क्वालिटी केसेस हम इसको कहते हैं। अब ये बोर्ड बैठता है और ये बोर्ड फैसला करता है। बोर्ड जो होता है बुलाता है उस मैन्युफैक्चरर को, इधर से बुलाता है ड्रग इंस्पेक्टर को, मैन्युफैक्चरर खुद भी आ सकते हैं और अपने लॉयर के साथ आते हैं। यहाँ से सरकारी वकील यानी ड्रग इंस्पेक्टर, उनके लॉयर और सब बैठे होते हैं और ये बोर्ड के सामने पूरी केस डिस्कस होता है। वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, आइदर बोर्ड उनको वार्न कर देता है कि चलें ठीक है, अगर कोई माइनर कॉन्ट्रोवर्शन की मिसब्रांडिंग है तो आप इसको करेक्ट कर लें और इसके लेबलिंग को ठीक करें। अगर बड़ा सिनेरियो है, कॉन्ट्रोवर्शन बड़ी है कि पूरी ऐसे जाली मेडिसिन है, नकली मेडिसिन है, या वो सब स्टैंडर्ड है, लो क्वालिटी की है, तो फिर उसको प्रोसिक्यूट किया जाता है और वो फिर अगेन ड्रग कोर्ट में जाता है और उनको सज़ा होती है, जिसमें या तो उनको कैद भी हो सकती है, उनको जुर्माना यानी कि फाइन भी हो सकता है। जी जी सर, ठीक है सर, मुझे लगता है ड्रग इंस्पेक्टर से रिलेटेड तो स्टूडेंट्स के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब सर स्टूडेंट्स को ये भी बता दीजिए कि ड्रग इंस्पेक्टर के लिए वो प्रिपरेशन कैसे करें और कब से उन्हें प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। जी मैं आपको ये बात बता दूं कि ये ना एक कॉन्टीन्यूस फेज और माइंड प्रिपरेशन है आपकी, कि आपने किस तरह से लेके चलना है। फॉर एग्जांपल आप क्या करें कि आपके पास जब भी आप पढ़ रहे हो तो आपके पास अपना सिलेबस का प्रिंट आउट हो, आपको पता हो कि आपके मेजर सब्जेक्ट्स कौन से हैं। जितने स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं प्रिपरेशन के फेज़ में, कि अभी कुछ होते हैं सेमेस्टर सिस्टम्स होते हैं या एनुअल सिस्टम्स होते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, अभी वो अपने मिड टर्म एग्ज़ाम्स देते हैं तो उनके फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स आ जाते हैं, वो फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स देते ही हैं तो उनका अगला सेमेस्टर, अगला साल शुरू हो जाता है, वो अपना अगला मिड टर्म देते हैं तो उनके अगले फाइनल आ जाते हैं, वो बहुत बर्डनाइज हो जाते हैं। तो पहली चीज़ मैं आपको ये बात बताऊँ कि जो आपके 5 to 6 ईयर्स ऑफ यूनिवर्सिटी लाइफ होती है इसको पूरी तरह से जिए। कैसे जिए? कि देयर शुड बी एन इक्विलिब्रियम बिटवीन द करिकुलर एंड द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। अगर आप सिर्फ बर्डनाइज करेंगे अपने आप को पढ़ने से तो आपका दिमाग आप फ्रेश नहीं रहेगा। इसका डिसएडवांटेज ये होगा कि जब आप 5 साल कंप्लीट करेंगे और आपको पता होगा कि मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और वो भी पूरे प्रोविंस की लेवल पे, पूरे मैंने इतने हज़ारों लोगों में कंप्लीट करना है, तो आप पहले ही इतने मेंटली थके होंगे 5 साल पढ़ के, और तो आप उसको सही तरह से कैरी नहीं कर पाएंगे, और अगर शुरू करेंगे तो उसको हाफ हार्टेडली करेंगे और छोड़ देंगे। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेरी सक्सेस का राज ये था कि आई वॉज इन्वॉल्व इन करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर इक्वली, मैंने वो मेंटेन किया, अपने टूर्स पे जाएं, अपने अपनी पार्टीज़ करें, अपने स्पोर्ट्स में हिस्सा लें, ड्रामेटिक्स में हिस्सा लें, और जब एग्ज़ाम्स आएँ तो आप उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। एंड यू शुड बी एन ऑलराउंडर, ट्राई टू बी द बेस्ट। अगर आपने अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना है अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में, उसके यूनिवर्सिटी लाइफ के बाद, देन आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको थोड़ा अलग बनना है। हमेशा मैं कहता हूँ कि आपको अलग बनना है तो अलग करना है, आपको बड़ा बनना है तो बड़ा करना है। जब सब लोग एक अलग स्ट्रगल में होंगे कि दे शुड बी अ पार्ट ऑफ द कॉमन क्राउड, ठीक है, तो आपने, यू शुड डिफ्रेंशिएट योरसेल्फ फ्रॉम द क्राउड, आपने उससे डिफ्रेंशिएट करना है, और एक वक्त आएगा कि आप वो चीज़ कर जाएंगे। ये आपकी माइंड ट्रेनिंग होगी कि आप करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर दोनों में बेस्ट हैं, टीचर्स की नज़र में आप बेस्ट हैं, ठीक है। आप अपनी जो नोट्स हैं वो टाइम पे बना रहे हैं, आप उनको एक जगह कंपाइल कर रहे हैं, और उसके बाद जब आप ग्रेजुएट कर जाएंगे तो अपने जो है उन सबको देख सकते हैं। मैं देख रहा था कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं ऑलमोस्ट तकरीबन सिमिलर हैं पाकिस्तान से, आपकी माइक्रोबायोलॉजी भी है, फार्मास्यूटिक्स भी है, फार्माकोलॉजी भी है, आपकी क्लिनिकल फार्मेसी भी है, आपकी लॉ भी है, मेडिसिनल केमिस्ट्री भी है, इस तरह से डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, फार्माकोग्नोजी है, तो ये वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि अराउंड द ग्लोब तकरीबन कॉमन है, ठीक है। तो आपने जो एग्ज़ाम्स देने हैं किसी और मुल्क में जाके, या आपने इंडिया में देने हैं या पाकिस्तान में देने हैं, तो आपको कम से कम ये जो बेसिक्स हैं इनके नोट्स को कंपाइल रखना है, ताकि जब भी आप एग्ज़ाम कोई और क्राइटेरिया देखें, कोई और सिलेबस देखें, तो आप इनकॉर्पोरेट कर सकें अपने वाले टॉपिक्स को उसमें, और फिर जो एडिशनल टॉपिक्स हैं उसको प्रिपेयर कर सकें, ठीक है। तो हमेशा याद रखें, अगर आपने कामयाब होना है देन यू शुड बी 2 स्टेप्स अहेड ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स। अगर आपके जो लोग हैं वो कुछ सोच रहे हैं तो आपने उनसे 2 गुना आगे सोचना। फॉर एग्जांपल जब मैं पढ़ता था मैंने क्या किया, मैं ग्रेजुएट हुआ, उसके बाद मैंने जब मेरी सीट्स अनाउंस हुई मैंने तकरीबन 2 से 2.5 महीने अपने आप को बिल्कुल अलग कर दिया, ठीक है। मैं सोशलाइज बहुत करता था, मैंने उसको कट किया, लोगों से बात कम की, मैंने जो स्लाइड्स थी उसको एक जगह इनकॉर्पोरेट किया, सिलेबस इकट्ठा किया, मैंने देखा कि कोई एज सच हमारे
करिकुलम बेस्ड कोई ऐसा सिलेबस नहीं है जो कि प्रिपरेशन फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हो, ठीक है। फिर उसको मैंने अपना सारी जो नोट्स थे उसको इकट्ठा किया, रेफरेंस बुक्स को इकट्ठा किया, उसके बाद सुबह से लेकर रात तक एक स्केड्यूल बनाया जो कि आपको भी बनाना है प्रिपरेशन के लिए, कि आपने सुबह अगर फार्माकोलॉजी है तो उसकी रेफरेंस बुक से आपने दो चैप्टर्स करने हैं, आपने रात को कॉम्प्रिहेंसिव फार्मेसी रिव्यू है या कोई और बुक जो आप समझते हैं अच्छी है आपकी प्रिपरेशन के लिए वहाँ से पढ़ना है, आपने जब लेटना है तो आपने यूट्यूब ओपन करना है और यूट्यूब से आपने डिफरेंट यूट्यूबर्स हैं इंडो पाक के हैं बाहर हैं बहुत ज़्यादा, आपने जो टॉपिक आज पढ़ा होगा फॉर एग्जांपल आपने फार्माकोलॉजी के शुरू के चैप्टर्स हैं एगोनिस्ट क्या है, एंटागोनिस्ट क्या है, पार्शियल एगोनिस्ट क्या है, आपकी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, ड्रग्स एक्टिंग ऑन द ANS क्या है, CNS क्या है, एंटीबायोटिक्स एंटी बैक्टीरियल्स क्या हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स क्या होती हैं, कौन सी ड्रग किस किस राइबोसोमल सब यूनिट पर जाके एक्ट करती है, ये सारी चीज़ें इसको प्रैक्टिस करना है फिर यूट्यूब से देख देख के, उस पर MCQs भी बने होंगे, वीडियोस भी होंगे और आपका क्विक रिव्यू हो जाएगा, ठीक है। इस आपने स्मार्ट स्टडी करनी है, यह स्मार्ट स्टडी ये नहीं करना कि आपने देखा और आप अगले दिन अगला टॉपिक शुरू कर दिया। स्टडी को एक और आपको मैं टिप देता हूँ कि आपने स्टडी को कैरी फॉरवर्ड करना है। कैरी फॉरवर्ड का मतलब ये होता है कि आपने आज अगर फॉर एग्जाम्पल 20 पेजेस पढ़े हैं, आपने उसको अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन करके आपने उसको MCQs जो है वो बना लेने हैं, अपने उस पर लिख देना है कि ये MCQ है। आपने MCQs जो होते हैं वो नेक्स्ट डे उसको दोबारा से आपने रिवाइज़ करना है, आपने पहले वो 20 पेजेस को पहले रिवाइज़ करना है और उसके बाद नेक्स्ट डे पे जाके आपने अगला शुरू करना है। इस तरह से आपने तीसरे दिन 40 पेजेस रिवाइज़ करने हैं, चौथे दिन आपने फर्दर पेजेस रिवाइज़ करने हैं। इस तरह से जो जो लोग रिवाइज़ नहीं कर रहे होंगे वो भूल जाएंगे पिछला, लेकिन आप स्मार्टली क्या करेंगे, आप उस प्रिपरेशन की फेज़ को कैरी फॉरवर्ड कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप जो होंगे उनसे स्मार्टली आगे निकल जाएंगे, जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप रिलेट कर सकेंगे पहले टॉपिक को आखिरी टॉपिक से, मिड के टॉपिक को स्टार्ट के टॉपिक से, किसी एक ड्रग को किसी दूसरी ड्रग से, और जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा, इस कॉन्फिडेंस की बेस पे आपकी टाइम जो होगा वो कम लगेगा आपके पेपर अटेम्प्ट का, आपकी नेगेटिव मार्किंग कम होगी। तो आपने सिर्फ खुद को समझाना है कि यू शुड बी द बेस्ट, यू शुड बी एन ऑलराउंडर, यू शुड बी 2 steps अहेड ऑफ द पीपल हु आर इन द रेस, ठीक है जी। ग्रेट सर, सच में इस वीडियो के बाद तो स्टूडेंट्स को मैं काफी सारा चेंजेस होंगे, मुझे ऐसा लगता है काफी मोटिवेटेड फील करेंगे स्टूडेंट्स, और काफी अच्छे से आपने मोटिवेट किया, सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट्स के। अगर अभी भी स्टूडेंट्स आपका कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई देने की हम जरूर कोशिश करेंगे। बता देता हूँ कि इस सब के बाद जब ये मैंने अपना एग्जाम क्लियर किया तो यकीन करें कि मैंने अल्लाह ताला से दुआ की, मैंने ये कहा कि बस मेरा एग्ज़ाम ये क्लियर हो जाए किसी तरह से, अगर ये क्लियर हो गया तो वो सारी मुश्किलात जो मुझे आई, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं वो सारी चीज़ें कंपाइल करूँ एक फॉर्म में, एक जगह पे, उन सारे एस्पायरिंग कैंडिडेट के लिए, उन फार्मासिस्ट के लिए जो कुछ बनना चाहते हैं, ठीक है। मुझे वो वाली पर्सनैलिटीज़ बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करती जो अगर एक जगह पर पहुँच जाएँ तो वो ये भूल जाएँ कि वो वहाँ पर खड़े थे जिस दिन आज, जहाँ पर आज हज़ारों लोग खड़े हैं। तो सबसे पहले आपने ख़ुद को प्रॉमिस करना है एक चीज़ और दुआ करनी है कि आप मेहनत करें और आप कुछ बन जाएँ, और जब बने तो आप इसी तरह से लोगों की मदद करेंगे, जब आप मदद करेंगे और उनकी जो दुआ होती है उससे आप कामयाब होते हैं, आपका हार्डवर्क, आपका स्मार्ट वर्क, आपकी हेल्प बड़ी मैटर करती है। उसके बाद मैंने 4 books अपनी लिखी, 4 books में मैंने एक बुक लिखी फार्मासिस्ट के नाम से, जिसमें मैंने पूरे 5 साल के सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज नोट्स को कंपाइल किया, उसके MCQs, उसके 1-liner ऑब्जेक्टिव्स, उसके जो पास पेपर्स सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन पेपर्स बनाए, उसके टेबल्स बनाए, और उस बुक को एज़ पर द सिलेबस मार्केट में लेके आया, और हज़ारों लोग उससे मुस्तफ़ीद हुए, डिफरेंट एग्ज़ाम्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ड्रग्स इंस्पेक्टर्स के एग्ज़ाम्स पास किए सारे कुछ। उसके बाद एक बुक मैंने लिखी मॉडल पेपर्स की, क्यों, क्योंकि हम एक बड़ी गलती करते हैं कि हम पढ़ लेते हैं लेकिन हम स्पेसिमन पेपर्स की कोई बुक नहीं होती मार्केट में फार्मा बेस्ड जिसको हम प्रैक्टिस कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका एक पेपर है गवर्नमेंट का, वो 100 number का आ रहा है, और आपने टाइम मैनेजमेंट देखनी है, आपने अपनी तैयारी को इवेल्यूएट करना है, और आपने ये देखना है कि पेपर होता किस तरह का है। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तानी सिलेबस की बात करें तो एक कमीशन का पेपर है 100 number का,
80 नंबर उसमें से आते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी फार्मेसी में से आएंगे, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, बायोफार्मास्यूटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, आपकी क्लिनिकल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, आपकी फोरेंसिक में से, लॉ में से, और 20 नंबर आते हैं आपकी इंग्लिश, उर्दू, मैथ, इस्लामियत, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज और इस तरह के। तो आपने क्या करना है, आपने इसको प्रैक्टिस करके जाना है कि आपने किस तरह से करना है। आपने पहले सब्जेक्ट स्पेसिफिक को अटेम्प्ट करना है और देन 20% उसको अटेम्प्ट करना है। तो उसके लिए भी मैंने एक बुक लिखी है जिसमें डिफरेंट जो मेरे कलीग्स जो मेरे साथ पास हुए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, कुछ ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, कुछ क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं, कुछ फार्मेसी मैनेजर्स हैं, कुछ गवर्नमेंट एनालिस्ट हैं, उन्होंने एक एक पेपर डिज़ाइन किया, 38 के करीब वो पेपर्स की एक बुक लिखी कि आप वो प्रैक्टिस कर सकें, और वो ऑल अक्रॉस द पाकिस्तान, एनीवेयर, वो बाहर भी वो अवेलेबल है, ऑर्डर पे आप वो मंगवा सकते हैं। इसी तरह से फिर आपने जैसे एक चैनल बनाया अपना, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि आप गाइड कर रहे हैं लोगों को, और यही चीज़ चाहिए, इसी तरह से एक चैनल बनाया, ठीक है। अगर मैं ये सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए, इंडिया, पूरी दुनिया में से कोई भी फार्मासिस्ट जो सिर्फ कुछ बनना चाहता है, कुछ करना चाहता है, ख़ुद को डिफ्रेंशिएट करना चाहता है, ठीक है, उसको किसी किस्म की हेल्प चाहिए, तो आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर देम, ठीक है। आप फेसबुक पे सर्च करेंगे लई खान, मेरा पेज वहाँ पे आ जाएगा। मैं अगर आप कहते हैं तो साक्षी के साथ मैं अपना लिंक भी शेयर कर दूंगा। आप व्हाट्सएप के थ्रू, आप मेरे चैनल के थ्रू, आप फेसबुक के थ्रू, या साक्षी से आप पूछ लें, या कोई अगर आपका ग्रुप है व्हाट्सएप का बना हुआ जिसमें आप अगर ऐड करना चाहें, उधर मैं आपको टाइम टू टाइम जो भी नोट्स के थ्रू या कनेक्ट होके आपकी हेल्प करता रहूँगा जितना मेरी कैपेसिटी में होगा, जितना मैं कर सकूँगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, सच में इसके लिए तो मैं बोलूंगी आपको सर, सो थैंक यू सो मच, इतना कोई भी नहीं कर सकता। और बात यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान की नहीं है, बात है कि आपको अच्छे से गाइड कौन कर रहा है, और इतने बड़ी पोस्ट पे होने के बाद भी सर ने हमें अपना इतना ज्यादा टाइम दिया, हमारे स्टूडेंट्स को इतना ज्यादा टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच सर। और मुझे लगता है कि आपका एक एक वर्ड जो आज आपने इस वीडियो में बोला है, बच्चों को समझाया है, बताया है, वो बहुत ही वैल्यूएबल रहेगा हमारे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आपके इस वीडियो के बाद जो चीजें मैंने आपकी सुनी उनके बाद मैं खुद भी बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील कर रही हूँ, तो स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो ही जाएंगे। और ये भी बहुत बड़ी बात है कि आपने बोला कि आप हर तरीके से स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए भी रेडी हैं, सो उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं सच में दिल से आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी, थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया, इनवाइट किया, और थैंक्स फॉर द काइंड वर्ड्स, और ऑल द बेस्ट टू यू, आपके चैनल को भी, आपके सारे स्टूडेंट्स को भी, और मैं आपको भी अप्रिशिएट इसलिए करता हूँ कि आप अपने टाइम में से टाइम निकाल रहे हैं उन लोगों की मदद करने के लिए जिनको शायद आपकी मदद की ज़रूरत है, और इसका सिला अल्लाह आपको ज़रूर देगा, और इंशाल्लाह यू विल बी एन एग्जांपल फॉर ऑल द पीपल, नॉट इन इंडिया, नॉट इन पाकिस्तान, बट फॉर द पीपल अराउंड द ग्लोब, फॉर द फार्मेसी प्रोफेशन अराउंड द ग्लोब। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जैसा कि आप सबने देखा, सर ने आपको पूरी तरीके से गाइड किया, अच्छे से आपको सारी चीजें समझाई, और मेन उन्होंने जो फोकस किया वो किया नोट्स पे। नोट्स की, अगर आपके पास नोट्स होंगे, अगर आपके पास खुद का स्टडी मटेरियल होगा, तो आप उन्हें सॉफ्ट में अपने पास स्टोर करके रखिए, और 4 साल बाद आप ये फील ना करें कि मुझे कहां से पढ़ना है। ये मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, 4 साल बाद अलग से आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन ना करनी पड़े। हम आपको नोट्स क्यों प्रोवाइड करवा रहे हैं भाई, हम मात्र 1000 में, मात्र 2000 में, मात्र 1100 में आपके घर पे नोट्स डिलीवर करवा रहे हैं। हम कह रहे हैं हार्डवर्क हम कर रहे हैं, हमारे टीचर्स हार्डवर्क कर रहे हैं, बीएसपी फार्मेसी की टीम हार्डवर्क कर रही है, आप लोग सिर्फ स्मार्ट वर्क कीजिए, आपके घर पे नोट्स जा रहे हैं, नोट्स को स्टोर करके रखिए। जो बच्चे ये सोचते हैं कि मैं डिजिटल कोर्स ले लूं और सिर्फ सेमेस्टर में पास हो जाऊं, तो वो बच्चा, सीरियसली मैं बता रही हूँ, सिर्फ 8000 की नौकरी करेगा, बाद में वो 8000 10000 की नौकरी करेगा, उसके अलावा उसे बढ़िया प्लेसमेंट अगर चाहिए है, बढ़िया चीजें अगर चाहिए हैं, अगर गवर्नमेंट सेक्टर में वो अपना करियर बनाना चाहता है, गवर्नमेंट फील्ड में जाना चाहता है, तो उसके लिए उसे 4 साल बाद का सोच के चलना है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कि डिजिटल कोर्स लेते हैं लेकिन खुद के नोट्स बनाते हैं, अच्छी बात है, मैं तो बोलूंगी हमारे नोट्स ना मंगवा के आप खुद के नोट्स बनाइए तो और भी बेटर है, बट आपको एक सही गाइडेंस की, जो हम नोट्स आपको आपके घर पे प्रोवाइड करवा रहे हैं उन नोट्स की, क्योंकि वो आपके पास स्टोर होके रह जाएंगे, 4 साल बाद 8 सेमेस्टर के नोट्स आपके पास स्टोर होंगे, आपको अलग से कहीं लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हमने बी फार्म किया है आपसे 5 साल पहले जब मैंने बी फार्म में एडमिशन लिया था 2017 में, उस टाइम कोई भी इस तरीके का गाइड करने वाला नहीं था, ऑनलाइन तो कोई चीज फैसिलिटी थी ही नहीं,
कुछ फैसिलिटी नहीं थी। अगर लेक्चर्स देखते थे, मैं मानती हूँ हम यूट्यूब से देख के पढ़ते थे, कुछ कुछ लेक्चर्स यूट्यूब से देखते थे, लेकिन एक लेक्चर यहाँ मिला, दूसरा वहां मिला, तीसरा मिला, तो उसमें कुछ मिला नहीं मिला, फिर बुक से अरेंज करते थे। लेकिन आप लोगों के लिए हार्ड वर्क हम कर रहे हैं, हम सब कुछ आपको दे रहे हैं, बस लेना है आपको, आपको स्मार्ट वर्क करना है। हम चाहते हैं 4 साल बाद, जैसे हमें कोई समझाने वाला नहीं था, 2 साल बाद हम, 3 साल बाद, 4 साल बाद हम ढूंढ रहे थे कि हमें क्या करना है, वो आपको नहीं करना है। आपको आज से पता होना चाहिए आपको कहाँ जाना है। आज से अगर आप सोच रहे हैं मुझे DI बनना है, ड्रग इंस्पेक्टर बनना है, मतलब आप बन गए, आपके दिमाग ने अगर सोच लिया तो वो कर भी सकता है, बट डिस्ट्रेक्शन नहीं चाहिए। जैसा कि सर ने बोला, कॉलेज लाइफ है, एंजॉय करो, जितना चाहे एंजॉय करो, फुल एंजॉय करो। आपकी जो अकेडमिक कंप्लीट, आपकी जो अकेडमिक लाइफ है उसे भी जियो, ठीक है। जो बाकी के जैसे कि फंक्शन हो गए, या फिर स्पोर्ट्स हो गए, या फिर कोई भी म्यूजिकल एक्टिविटी हो गई, सारी एक्टिविटीज करो। ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ते रहना है, पढ़ते रहोगे 36 सब्जेक्ट है, पागल हो जाओगे, नहीं, आपको सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहना है ना। एक हंसता खेलता जो बच्चा होता है, एक ऑलराउंडर, उन्होंने एक वर्ड बोला था ऑलराउंडर, आपको ये फील करना है, अपने दिमाग को ये समझाना है, अपने मन को ये फील करवाना है कि आप ऑलराउंडर हैं, आप बेस्ट हैं, आपसे अच्छा कोई नहीं है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, दिन पर दिन बढ़ रहा है कंपटीशन, लेकिन क्या उस कंपटीशन में जो बैठने वाले, जो कम्पीट करेंगे, क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो आपके जैसे नहीं है? क्या उनके पास कोई अलग डिग्री है, आपके वाले डिग्री नहीं है? सबके पास वही है जो आपके पास है, दिमाग भी वही है। बस जरूरत है कि आपको खुद के मन को और अपने दिमाग को समझाना है कि आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूं और मैं बेस्ट कर सकता हूं। ओके, सो मैं तो इतना ही बोलूंगी, और ज्यादा तैयारी के लिए या फिर ज्यादा आपको अच्छी प्रिपरेशन के लिए BSP फार्मेसी की पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है। डेली 4 क्लासेस चल रही है, 4 क्लासेस डेली, घर पे नोट्स डिलीवर करवाए जा रहे हैं, मॉडल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सॉफ्ट कॉपी में नोट्स, सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जा रही है। एक बार जाके विजिट करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 1st और 3rd सेम का भी कोर्स हमारे पास है जो कंप्लीट फॉर्म में है, बाकी सेमेस्टर्स का भी है, लेकिन उनके लेक्चर्स धीरे धीरे अपलोड हो रहे हैं, बट 1st और 3rd सेम वाले फटाफट जाओ ऐप इंस्टॉल करो, अभी के अभी ऐप इंस्टॉल करो। 2nd सेम 4th सेम 6th सेम का कोर्स भी हमारा आ चुका है, जाओ फटाफट ज्वाइन करो, जिसे भी चाहिए है फटाफट से जाके ज्वाइन करो। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। ज्यादा जानकारी के लिए या फिर ऑनलाइन पेड कोर्स में ज्वाइन करने के लिए दिए हुए नंबर से संपर्क भी कर सकते हैं, जो कि 24 घंटे 24 आवर्स आपके लिए अवेलेबल है, इफ अगर आप पेड कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।